नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों, UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने NDA-1 के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज से ये जो है आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन अप्लाई करना। तो यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन अप्लीकेशन करने की, वो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। आपकी जो लास्ट डेट रखी गई है वो है 4/2/2019 यानी 4 फरवरी तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और जो स्टार्टिंग डेट है वो है यहाँ पर 9 जनवरी यानी आज से आप जो है ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों, जो कैंडिडेट्स 12th अपीयरिंग है और जिन्होंने 12th कर ली है वो सभी इसके लिए एलिजिबल है। अगर दोस्तों आपने फिजिक्स मैथ से जो है 12th की है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों एलिजिबिलिटी में, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैंने आपको जो है शॉर्ट में बता दिया है। उसके बाद दोस्तों अप्लाई कर आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.upsconline.nic.in, ये इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है 14/2/2019 यहाँ पर जो है लास्ट डेट रखी गई है। और जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों OBC और अनरिजर्व के, उनके लिए 100 रुपये यहाँ पर जो है अप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर जो है एग्जाम में होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए, किसी प्रकार का फ़ोन आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके जो है एग्जाम में अलाउड नहीं है ये दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पर है 392 टोटल सीट्स है। नेशनल डिफेंस एकेडमी 342, जिसमें दोस्तों 208 आर्मी की, 242 नेवी की और 92 एयरफोर्स की है। और नेवल एकेडमी यानी जो 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम होती है दोस्तों, उसमें आपकी 50 है। और जो ओवरऑल पोस्ट है वो यहाँ पर 392 है। तो ये सारा दोस्तों इसमें आगे एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। आपकी जो एज है दोस्तों, एज मैं आपको बता देता हूँ, जो एज है यहाँ पर मांगी गई है 2 जुलाई 2000 से आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2003 के बीच होनी चाहिए, यानी 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2003 के बीच आपकी जो है एज होनी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स 12th अपीयरिंग है, 12th जिन्होंने कर ली है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी एज इसमें है और आपने जो 12th है वो फिजिक्स और मैथ से की होनी चाहिए। 100 रुपये दोस्तों आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अगर आप अनरिजर्व और OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपकी 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। SC ST के लिए कोई भी प्रकार की जो है फीस नहीं रखी गई है। तो इसके बाद दोस्तों आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका SSB कंडक्ट कराएगा, और उसके बाद आपको जो है 4 साल की BTEC जो है आगे कराई जाएगी, और आप जो है एज ए ऑफिसर जो है डिफेंस में जो है ज्वाइन होगे। तो ये सारी डिटेल इसमें बताई हुई है दोस्तों, मैंने सारा कंक्लूजन आपको बता दिया। अगर आप इसे पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका सारा कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में। तो NDA-1 यहाँ पर जो है 9 तारीख से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे यानी आज से ही, और जो लास्ट डेट है वो है यहाँ पर दोस्तों आपकी जो लास्ट डेट है 4 फरवरी 2019 है। तो जितना जल्दी हो उसके अप्लाई कर दीजिए अगर आप इसके एलिजिबल हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट है दोस्तों, ऑफिसर रैंक की पोस्ट आपको जो है मिलेगी, एज ए लेफ्टिनेंट आप जो है ज्वाइन होगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों लाइक करके बताइए, और कोई जानकारी अगर आप इससे संबंधित लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं अगली वीडियो में जो है आपको बता दूंगा। अगर आप SSB या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का आइकन दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और एकेडमी पर फॉलो कर लीजिए अगर आप NDA के लिए फिजिक्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।